ठीक है। तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मेरा पुराना चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं अभी आ गया हूँ बहुत दिन बाद। ठीक है, अभी रेसिपी लेके आता हूँ मैं इस चैनल पे। और उस चैनल पे तो मेरा जो पिछला कंटेंट था, ठीक है, वही आएगा उस पे। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेट लेट आएगा। ठीक है, 2 दिन 3 दिन बाद बाद आएगा, लेकिन कंटिन्यू आएगा गाइस। लंबा कोई मतलब गैप नहीं होगा। तो आप लोग उस चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करो और इस चैनल को 50,000 जल्दी से करवा दो, और 1,000 1,500 सब्सक्राइब चाहिए जस्ट। ओके, ठीक है। तो आज मैं बनाऊंगा आप लोगों के डिमांड पे चिकन पकोड़ा बनाऊंगा, और उसके साथ मैं उस चैनल पे मतलब अपना शो दिखाऊंगा। ठीक है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अभी चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं अपना चिकन पकौड़ा। वेरी सिंपल से बनाऊंगा गाइस। ठीक है, मतलब घर बैठे बैठे मेरे जैसे बंदे आराम से बना लो और मजे लो चिकन पकौड़े के। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैं अभी किचन में जाता हूँ। ठीक है, तो गाइस चिकन पकौड़ा बनाने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे चिकन ले लिया हूँ, 1.5 किलो है। ठीक है, उसके बाद इसको पहले मैरिनेट करना पड़ेगा। तो इस पे थोड़ा सा दे दूँगा, 1 चम्मच 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके, उसके बाद इसमें डाल दूंगा मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, 2 चम्मच डालूंगा गाइस। उसके बाद 1 चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है नमक कैसा लेना पड़ता है, जो लोग रेसिपी देखते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा गाइस। ठीक है, उसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी, हल्दी पाउडर। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए डाल दूंगा, ये है लाल मिर्च पाउडर, बहुत तीखा वाला है, 1/2 चम्मच डाला गाइस। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं डाल दूंगा मैदा, 3 चम्मच डालूंगा गाइस। ठीक है, उसके बाद डालूंगा बेसन, आज थोड़ा मतलब ज़्यादा ही सिंपल हो गया गैस। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है। उसके बाद डाल दूंगा गैस राइस पाउडर, 2 चम्मच। उसके बाद गैस इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 चम्मच पिसा हुआ है। ठीक है, अब गैस इसमें डालूंगा मैं 2 अंडे, दो अंडा हो गया गैस। अब गैस इस पे मैं अच्छे से मैरिनेशन कर लूँगा। ठीक है, अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से, ठीक है, ऐसे करके मैरिनेशन कर दूँगा। तो गैस इसमें मैं नींबू का रस डालना भूल गया, रेडी है। ठीक है, डाल देता हूँ इस पे, उसके बाद इसको अच्छे से मैरिनेशन कर लेता हूँ। ठीक है, जोर जोर से करो, अंदर अंदर तक डाल दो एकदम। गाइस लेग पीस देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा लेग पीस है, ये तो आज पूरा जम जाएगा, पूरा एकदम पेट में दौड़ेगा मेरे। इसका मैरिनेशन कंप्लीट है पूरा, इसको मैं अभी रख देता हूँ फ्रिज में। ठीक है, 1-2 घंटे के लिए रख देता हूँ गाइस। ठीक है, उसके बाद ना स्वाद आएगा इस पे। उसके बाद आराम से तेल पे डाल के फ्राई करेंगे। उसके बाद तो मेरा तो बोतल रेडी है गैस। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। तो गैस यहाँ पे मेरा चिकन मैरिनेशन कंप्लीट हो गया, मतलब जो टाइम का मेरा प्रोसेस था, मतलब चिकन का प्रोसेस था, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब 1.5 से 2 घंटा हो गया मैं फ्रिज में रख दिया था। मेरा कढ़ाई भी मतलब गैस तो जला हुआ है। ठीक है, कढ़ाई भी गर्म हो चुका है। अभी इसमें डाल दूंगा मैं, ये देख सकते हो गाइस, फॉर्चून का सोया हेल्थ। ओके, ठीक है, डाल दिया तेल, और बेटा आराम से तो गाइस तेल डाल दिया, 380 ml। ठीक है, देख सकते हो, थोड़ा सा तेल को गर्म होने देते हैं। तो
तो गाइस हमारा तेल गरम हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा कर दूंगा लो फ्लेम में, ठीक है। अब एक एक करके इस पे देख सकते हो गाइस, एक एक करके इसमें डाल दूंगा आराम आराम से। थोड़ा सा और गरम होगा लग रहा है गाइस। तो गाइस अभी तेल ठीक ठाक गरम हो चुका है, ठीक है। अब डाल दूंगा इसमें फटाफट। ओके, एक गया, दो भी गया, तो गाइस वीडियो ज़्यादा हिलेगा तो माफ़ कर देना, ठीक है। एक हाथ से फ़ोन पकड़ रहा हूँ और एक हाथ से बना रहा हूँ। दो तीन बार में ही होगा गाइस, ठीक है। 1.5 किलो चिकन है ना, बहुत सारा चिकन है, आज तो पूरा जम जाएगा पूरा। तो गाइस इसको एकदम लो फ्लेम में पकाना पड़ता है, ठीक है। और बहुत भाई लोग सोचते हैं अंदर से कच्चा रह जाता है, ठीक है, उसका भी टेक्निक बता दूंगा, अंदर से भी पक जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते जाओ गाइस, थोड़ी देर इसको पकने देता हूँ, 5-10 मिनट हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हिला दूंगा इधर उधर, तो जैसे का वैसा ही है, एक भी टूटा फूटा कुछ नहीं है, एकदम लगा हुआ है, बिछड़ा भी नहीं है। टेक्निक कैसा है गाइस बताओ, ज़्यादा मसाला भी नहीं है, जो घर पे मिलता है वही डाल दो बस। सर थोड़ा बेसन ले आना पड़ेगा बाहर से, और कुछ नहीं चाहिए, फिर भी घर पे तो बेसन रहते ही होगा। तो गाइस देख सकते हो कलर भी देख सकते हो, तो गाइस देख सकते हो कलर। अब ये हो गया मतलब हाफ फ्राई हो गया, ठीक है। अब इसको मैं निकाल लूँगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बाद मतलब इसको फिर डालना पड़ेगा ऑयल में, ठीक है। निकाल लिया गाइस, तो गाइस इसमें से सारा माल निकाल लिया हूँ। अब इसमें से डाल दूंगा मैं लेग पीस। लेग पीस गाइस बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। एक लेग पीस डाल देता हूँ पहले, उसके बाद पीसेस डाल देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे पीसेस हैं, बहुत सारे, 1.5 किलो यहाँ पे हैं। अकेले में मैं खा सकता हूँ गाइस, बताओ कमेंट करके। तो गाइस मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो बताना, और मुझे कहीं रेस्टोरेंट में काम को मिल जाए तो ये भी बताना, कर लूँगा गाइस, ठीक है। ये गाइस डाल दिया और एक पीस डाल देता हूँ, छोटा सा पीस इधर से चला गया, ठीक है। अब इसको भी पकने देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर। तो गाइस देख सकते हो ये डाल दिया हूँ, ठीक है। इसको फ्राई करके पूरा कंप्लीट करके, ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस में दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। इसको थोड़ा देर पकने देते हैं, उसके बाद ये पका लेता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग भी बोर हो जाएंगे मेरे वीडियो देखते देखते, तो एक काम करता हूँ मैं अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ क्या करना पड़ेगा, उसके बाद एकदम क्रंची सा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस चिकन पकौड़ा ये मतलब हाफ फ्राई हो गया है, इसको क्या करना पड़ता है, ऐसे करके ना यहाँ पर रखना पड़ता है, ठीक है, इसको ऐसे करके और ऐसे ना दबाना पड़ता है, ऐसे ऐसे और हल्का प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। जितने भी पकौड़े ना ऐसे ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको प्रेस करके उसके बाद और एक बार फ्राई करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो ये सब हो गया है, अब इसको डाल दूंगा इसमें, तेल पूरा हीट है, और एक बार में मतलब थोड़ा सा इधर भी है, ये पहले डाल दूंगा मैं ऐसे करके, ठीक है। अब इसको अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा, कब हुआ था हाफ फ्राई, ओके। तो गाइस इसको फ्राई होने देते आराम से, एकदम चलने दो। तो गाइस मेरा चिकन पकौड़ा हो गया है, ठीक है, देख सकते हो गाइस, और यहाँ पे भी देख सकते हो मेरा चिकन पकौड़ा रेडी है, दिख रहा है, देखो गाइस आराम से
ये मतलब अभी तो दूसरा मुकबांग का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे ऐसे घूम रहे नहीं ऐसे, ठीक है। तो गाइस एक चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चेक कर, यहाँ पे चटनी भी है साथ में, कौन सा लूँ? एक छोटा सा टुकड़ा ट्राई करके देखता हूँ गाइस, ठीक है। चटनी, ऊपर से प्याज, गरम भी है भाई साहब, गाइस गरम भी है, ठीक है। ये देख सकते हो गाइस, गाइस पूरा क्रिस्पी आ गया। मेरा सेटअप कैसा लगा ये देखो, ये देख सकते हो, ठीक है। ये देखो गाइस, आराम से देखो, ये मेरा नेक्स्ट मुकबांग के लिए रेडी हो गया, चिकन पकौड़ा। आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया लगेगा आप लोगों को। तो मिलते हैं गाइस उस चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये मतलब खाने का तो 50,000 होने वाला है, ठीक है। जल्दी से करवा दो गाइस, क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो।